दोस्तों ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है जो लकड़ियाँ काटता था। सारी जिंदगी उसने जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचा, और अपनी उस मेहनत से उसने जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था जिसमें वो और उसकी बीवी और एक जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शर्फू था। तीनों आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था, बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो यानी कमाई हो सके। बीवी रोटी पकाती और बेटा घर ही में रहकर छोटा मोटा काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था, बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। आए दिन अक्सर वो बीमार ही रहता, मगर उससे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा बेटा शर्फू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शर्फू की माँ का भी यही सोचना था, इसीलिए उसे भी किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन लकड़हारा सुबह को जागा तो उसने महसूस किया कि वो बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर अब लकड़ी काटना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो लकड़ी काटने नहीं गया। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हुआ तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से बाहर क्यों नहीं गया, लकड़ियां काटने क्यों नहीं गया, चारपाई पर क्यों लेटा हुआ है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शर्फू बेटा। बेटे ने कहा, जी हाँ अब्बा। लकड़हारा बोला, देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। बेटा बोला, तो फरमाइए अब्बा। तो लकड़हारा बोला, बेटा जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। ये कहकर बाप ने कहा, समझ गए बेटा। तो बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया। लकड़हारा बोला, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। माँ भी पास में खड़ी थी और बातें सुन रही थी। इसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। बीवी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारा बोला, बेटा ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसी के जरिए लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर बेटे के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, रोज़ाना कितनी लकड़ियाँ काटनी हैं और उन्हें किस तरह गठरा बनाकर सिर पे उठा के ले जाना है और लकड़ियाँ कैसे बेचनी हैं। ये सब बातें लकड़हारे ने बेटे को बताई। लकड़हारे ने उसे जगह का नाम भी बता दिया। बेटा बड़े शौक से बाप की बात सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो बेटा आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। शर्फू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और बेटा कंधे से कुल्हाड़ा लगाकर घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज निकला नहीं था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। बीसियों पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। इसके बाद लकड़हारे का बेटा एक लंबी झुकी शाख को काटने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीरे हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। ये कोई मामूली प्लेट नहीं है, जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही पावरफुल है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे।
दूसरा हमारे पास ये कासा है, नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, चेहरा खूबसूरत होने लगेगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जादू टोने बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला ये नक्श है, इसको आप अपने मकान या दुकान में लगा सकती हैं। और साथ में ये तोहफा नूरी है, इसको आप अपने पास में भी रख सकते हैं, या फिर जिस जगह आप अपने घर के पैसे रखते हैं या फिर दुकान के पैसे रखते हैं, जैसे तिजोरी वगैरह होती है, वहाँ भी इसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी सामान है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों ये पूरा सेट 1250 रुपए का है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और सामान मंगा सकते हैं। सामान थोड़ा कम बचा है तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। तो दोस्तों आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों जब वो उस शाख को काटने की कोशिश कर रहा था, यानी लकड़हारे का बेटा एक लंबी झुकी शाख को काटने की कोशिश करने लगा, इतने में अचानक उसकी नज़र पेड़ के उस जगह पर पड़ी जहाँ से शाख निकली थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है और दो तीन बच्चे उस घोंसले में हैं। घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में सवाल उठा कि अगर मैंने ये शाख काट डाली तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो घोंसले में हैं वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने उस शाख को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। इसके बाद वो उस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आने लगीं कि मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, उनका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होंगे, मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये इन परिंदों पर बहुत जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि क्या करूँ। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था। बेटे को आता देखा तो बोला, शर्फू बेटा जल्दी आ गए हो, लकड़ियाँ बिक गई क्या? बेटा बोला, नहीं अब्बा जान। लकड़हारे ने पूछा, क्या बात है? तो बेटा बोला, अब्बा जान मैं पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, क्यों? तो बेटे ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया। इससे पहले कि बाप कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाख काट लेते। तो बेटे ने जवाब दिया, अम्मा वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, आओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियाँ काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है, मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो गए। लकड़हारा गुस्से में ना जाने क्या कह देता कि उसकी बीवी ने चुपके से समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, दो तीन दिन रुक जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। इसके बाद दो तीन दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और जगह का पता बताया और कहा कि खबरदार, पेड़ पर ज़र्ब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शर्फू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर न देखा, वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ी मारने लगा कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे जंगली फल पर पड़ी जिसे कुछ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। ये देखकर उसके जहन में ख्याल आया कि इस पेड़ पर ये फल आता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुँचाऊँ, क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा और बिना लकड़ी काटे घर लौट गया।
जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है, क्यों बेटा शर्फू? तो बेटे ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई और बोला, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। बेटा बोला, मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप बोला, तो तुम्हें क्या, लोग पकाकर खाते हैं तुम नहीं। बेटा बोला, अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब आप कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शर्फू समझ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा अगर इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस बार पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार अब कोई बहाना मत बनाना, पैसे लेकर घर आना। शर्फू जंगल में गया, उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं, थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं, इन्हें काटना इन पर जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा। उस दिन वो शाम के वक्त अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। लकड़हारा बेटे से बोला, तो आज तुमने काम कर लिया? बाप का ये सवाल सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं, मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज निकले तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झटक दिया कि बस बस, अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शर्फू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक के इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो गया। पास में ही एक बड़ी शानदार हवेली थी, वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बेटे की बातें करके रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक बग्गी आकर रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? तो वो शख्स बोला, आपको और आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। वो शख्स बोला, आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? लकड़हारा बोला, जी नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाइए। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देखकर हैरान हो रहे थे। एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे शर्फू, लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देख। शर्फू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। शर्फू की माँ ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो शर्फू कहने लगा, अम्मा जान, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थककर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देख कर के मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है अपने बाग का माली बना दिया, वो हैं नादिर खान। इसके बाद नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शर्फू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों और परिंदों का बड़ा ही ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है, मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है, वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा।
मेरे दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें दूसरी मखलूकात जैसे परिंदे वगैरह, चींटियां वगैरह, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसका अजर देगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।